हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर के एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें सभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, अलग अलग यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं 4 क्वेश्चन के रूप में। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाई ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन कॉलोनीज इज लिंक्ड टू एन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। देखिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कॉलोनी होता क्या है, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रखा है। तो आपको ये बताना था कॉलोनी क्या है, कॉलोनीज क्या होती है। जैसे इंडिया में ब्रिटिश रूल था पहले, तो इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी कहलाता था, ठीक है ना। तो ऐसे ही जहाँ जहाँ किसी और कंट्री का रूल होता है ना, उसको वहाँ की कॉलोनी कहते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका है, अफ्रीका है, यूरोप में कई कंट्रीज थी जो अलग अलग कंट्रियों में बाहर जाके अपनी कॉलोनी बनाया करती। इंग्लैंड है, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, सभी ने अपनी कॉलोनी बाहर बनाई हुई थी, ठीक है, अपने ऑक्यूपाइड किया हुआ था, कब्जा किया हुआ था। तो इंडिया भी ब्रिटेन की कॉलोनी था पहले। और एंटी कॉलोनियल मूवमेंट क्या होता है, यानी उस कंट्री के खिलाफ मूवमेंट स्टार्ट होता है कि हमारी कंट्री को आज़ाद किया जाए। जैसे इंडिया ने फ्रीडम स्ट्रगल किया, मूवमेंट चलाया, किसके खिलाफ चलाया, ब्रिटेन गवर्नमेंट के खिलाफ चलाया था कि ब्रिटिश यहाँ चले जाएँ, इंडिया आज़ाद हो जाए। इस तरह से इसको बोलते हैं एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, ठीक है। तो ये था, इंडिया में भी स्टार्ट हुआ, ये लगभग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ज़्यादा स्टार्ट हुआ था एक बार स्टार्टिंग में। इसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ज़्यादा हो गई, और लगभग बहुत सारी कंट्री जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद आज़ाद हो गई, फ्री हो गई थी। इंडिया भी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद फ्री हो गया था, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो गया था। चलिए, तो ये पूछ रहा है कि कॉलोनी जहाँ जहाँ कॉलोनी थी उनमें एंटी कॉलोनियल मूवमेंट की ग्रोथ जो है क्यों हुई, वहाँ पे नेशनलिज्म की ग्रोथ क्यों हुई, ठीक है। दोनों को रिलेट करना है कि नेशनलिज्म और एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का क्या रिलेशन है आपस में, ठीक है। नीचे आंसर इसका ये एक बार देख लेते हैं, और ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन भी जो है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार से संबंधित है, नेशनल मूवमेंट के बारे में, इंडिया के बारे में। ये इसका आंसर है फर्स्ट का। देखिए, कॉलोनाइजेशन अफेक्टेड पीपल्स फ्रीडम। जहाँ पे कॉलोनी बना रखी है वहाँ की जो सिटीजन है, पीपल्स हैं, उनकी फ्रीडम इफेक्ट होती है, क्योंकि जहाँ ब्रिटेन के था, ब्रिटेन ने इंडिया पे ऑक्यूपाइड किया था, कब्जा किया हुआ था, रूल कर रहा था ब्रिटेन, तो ब्रिटेन अपने प्रॉफिट के लिए वहाँ पे रूल कर रहा है, ना कि इंडियन पब्लिक के फ्रीडम के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। तो फ्रीडम जो है इफेक्ट होती है हर जगह जहाँ जहाँ कॉलोनी था। तो नेशनलिस्ट सेंटीमेंट सर्ज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द इंपीरियल डोमिनेशन। एम्पीरियल यानी कि जो राजा होता है, किंग होता है, उसका एक पूरा एरिया में कब्जा होता है, डोमिनेंस कहते हैं, डोमिनेशन कहते हैं। तो इंपीरियल डोमिनेशन खिलाफ जो है, जो नेशनलिस्ट या राष्ट्रवादी की सेंटीमेंट थी, फीलिंग थी, वो जो है क्या होती है, उभर के आएगी बाद में जब एंटी कॉलोनी मूवमेंट स्टार्ट होगा। द सेंस ऑफ ऑपरेशन एंड एक्सप्लोटेशन बिकेम ए कॉमन बोन पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ वाइफ। देखिए, क्योंकि सभी को वहाँ पे शोषण हो रहा था, सभी को दबाया गया है, परेशान किया गया है, सबकी फ्रीडम को हार्म पहुंचाया गया है, तो जो लोग हैं वो आपस में बॉन्ड हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, एक कॉमन फैक्टर बन जाएगा कि ब्रिटेन जो है बाहर के लोग हैं उनको भगाना है, इंडिया को इंडिपेंडेंट करना है, तो ये एक फीलिंग आ जाएगी सबके अंदर, इसी को नेशनलिज्म कहते हैं उस टाइम पर, ठीक है। एंड दिस रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट आइडियल्स। इसीलिए जो है एक कॉमन जो प्रॉब्लम होती है उसको सोल्यूशन के लिए जब लोग इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पर जो है एक फीलिंग आती है इंडिया के बारे में, या किसी भी कंट्री जो उस टाइम पे किसी न किसी कंट्री की कॉलोनी थी, उनमें जो है नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी कि कंट्री को आज़ाद कराना है, पब्लिक को परेशान होने से बचाना है, उनकी फ्रीडम, उनके राइट्स वगैरह प्रोवाइड करवाने हैं, ठीक है। तो इसी को नेशनलिज्म की फीलिंग कहते हैं, देश के लिए या देश की पब्लिक के लिए कुछ अच्छा काम करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, दस द ग्रोथ ऑफ नेशनल कॉलोनी इज लिंक टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जब चला है तो नेशनलिज्म की फीलिंग के साथ ही चलता है, ठीक है। सेकंड क्या था क्वेश्चन हमारा, वो देख लो एक बार ऊपर,
इसका आंसर भी देख लेती है। रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वार हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था तो उसने कैसे हेल्प किया इंडिया में नेशनल मूवमेंट को ग्रो करने में। मैंने अभी बताया था आपको, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्या होता है कि जो ब्रिटेन है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि उसे काफ़ी पैसा वहाँ पर लग जाता है। तो वहाँ जो है यूरोप में और जो कॉलोनी के लिए अपना झगड़ा हो रहा है अलग अलग, उन सभी कंट्रीज जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है, उनके रिसोर्सेज भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो जो यूरोप है वहाँ से कुछ नए आइडियाज़ आते हैं उस टाइम पे, जैसे कि रशिया में रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, उसका इफेक्ट इंडिया में पड़ा, और जो पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसका इफेक्ट इंडिया में पड़ा, वहाँ फ्रीडम की इक्वालिटी की बात की गई थी, ठीक है, और रशिया में सोशलिज्म की बात की गई थी। तो ये सारे आइडियाज़ जो है पूरे वर्ल्ड में फैल गए और ख़ासकर इंडिया में भी फैल गए। तो इंडियन मूवमेंट जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार से काफ़ी हेल्प हुआ। एक और बात थी कि इंडिया में उस टाइम पे जब फर्स्ट वर्ल्ड वार था, इंडिया को भी ब्रिटेन ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में शामिल कर लिया था, क्योंकि उसका रूल चला करता है यहाँ पे। तो इंडिया से जो यंग थे बॉयज़ उनको आर्मी में ज़बरदस्ती भर्ती किया गया, तो लोगों में ब्रिटेन के प्रति एक जो है गुस्सा उस टाइम पर आ गया कि हमारे बच्चों को आप फर्स्ट वर्ल्ड वार में झोंक रहे हो, मरवा रहे हो, ठीक है। तो बहुत सारी, तो यहाँ पे जो है क्योंकि ब्रिटेन का काफ़ी पैसा खर्च हो रहा है बाहर, तो उसने यहाँ पे टैक्स बढ़ा दिए इंडिया में, तो जो मजदूर हैं किसान हैं वो सारे परेशान हो गए। तो यहाँ पर जो है इंडिया में ब्रिटेन के खिलाफ जो है मूवमेंट का माहौल स्टार्ट हो गया, फिर लीडर्स ने मूवमेंट स्टार्ट करवाया। तो इसका आंसर देख लेते नीचे एक बार। सेकेंड ये रहा, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार द ब्रिटिश आर्मी कंडक्टेड फोर्स रिक्रूटमेंट, जो मैंने बताया इसको बोलते हैं फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। ये क्या होता है कि ब्रिटिश की आर्मी ने रिक्रूटमेंट करने के लिए, फौजी भर्ती करने के लिए ग्रामीण एरिया से, रूरल एरिया से ज़बरदस्ती यूथ को पकड़ पकड़ के भर्ती किया पुलिस में, आर्मी में, और फौजी बना दिया और वहाँ बाहर भेज दिया लड़ने के लिए, ठीक है। तो ये था फोर्स रिक्रूटमेंट, ठीक है। दूसरा क्या है, टू फाइनेंस द डिफेंस एक्सपेंडिचर, जो ब्रिटेन का डिफेंस एक्सपेंडिचर हो रहा है बाहर, खर्चा हो रहा है, ठीक है, उस और जो ड्यूटीज़ वगैरह हैं बहुत सारे वो, और जो टैक्स वगैरह है इनकम टैक्स वगैरह, उसके ऊपर जो है क्या किया, उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया है इंडिया के ऊपर, क्योंकि उसका बाहर खर्चा हो रहा है, उसका जो है एक्सपेंडिचर बढ़ गया है डिफेंस का, तो उसने इंडिया से वसूल करना चाहा और इंडिया में इनकम टैक्स वगैरह लगा दिया, ठीक है। आल्सो ड्यूरिंग 1918-19 एंड 2021 क्रॉप्स फेल्ड, थर्ड इसका रीज़न ये था कि यहाँ पर इंडिया में जो फसल थी वो ख़राब हो गई, क्रॉप्स फेल्ड इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो थ्री हमने यहाँ पे देखे एग्जाम्पल या रीजन, पहला क्या था फोर्स रिक्रूटमेंट, दूसरा था डिफेंस एक्सपेंडिचर होने के कारण इनकम टैक्स बढ़ा दिया, थर्ड क्या था क्रॉप फेल हो गई, ठीक है, फूड शॉर्टेज हो जाएगी इंडिया में क्योंकि फसल ख़राब हो चुकी है। तो ये सारे कारण थे, इसलिए जो एंगर हो गया पब्लिक है इंडिया की और ब्रिटेन, ब्रिटिश कॉलोनी के रूल के खिलाफ यहाँ पे मूवमेंट में एक जो है ग्रो करेगा यहाँ पे मूवमेंट, और हेल्प मिलेगी फर्स्ट वर्ल्ड वार से, ठीक है। तो सेकंड में आपने 3-4 पॉइंट देखे। थर्ड क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, व्हाई इंडियन वार आउटरेज बाय द रोलेट एक्ट। देखिए ये एक एक्ट था जो ब्रिटेन ने पास किया था इंडिया में, जो उस टाइम पे रूल किया करते ब्रिटिश, तो उन्होंने एक यहाँ पे लेजिस्लेटिव बना रखी थी अपनी खुद की जो है, उसमें मेम्बर थे सारे, तो उसने एक बिल पास किया था इंडिया में। इंडियन जो लीडर थे उस टाइम पे डिमांड कर रहे थे अलग अलग, उनको तंग करने के लिए, उनको दबाने के लिए, ठीक है, कि वो ब्रिटेन के खिलाफ काम ना करे, उनके खिलाफ जो है रोलेट एक्ट पास किया। रोलेट एक अधिकारी हुआ करते उनके नाम पर था ये रोलेट एक्ट। तो देखते हैं इंडिया में क्यों गुस्सा हुआ इसके खिलाफ, क्या परेशानी हुई, वो देख लो एक बार। सी ये रहा, रोलेट एक्ट वॉज पास्ड थ्रू द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए ये है, रोलेट एक्ट वॉज पास किया गया था 1919 में पास किया गया। किसके द्वारा किया गया, यहाँ पे एक वर्ड आएगा ये रहा द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये काउंसिल थी ब्रिटेन ने यहाँ बना रखी थी इंडिया में, जैसे आज पार्लियामेंट होती ना वैसे ये इस टाइम पे काम किया करती, विधानसभा या पार्लियामेंट की तरह काम किया करती, विधान बनाया करती, लेजिस्लेट किया करती, यानी कि रूल बनाया करती, एक्ट बनाया करती। तो इसने एक्ट बना दिया रोलेट एक्ट, ठीक है, इस काउंसिल ने। क्यों क्यों बनाया, देखिए अपोजिशन फॉर्म
द इंडियन मेंबर्स, जो इंडियन मेंबर थे उस टाइम पे लीडर, उनको दबाने के लिए ये रूल बनाया गया था। इसने क्या, इससे क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द गवर्नमेंट ऑटोक्रेटिक पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज डिसाइड अलाउंग इट टू रिटेन पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ए ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। देखिए इसमें क्या था, देखो रूल एक्ट देख लो क्या था, 1919 में पास हुआ, इम्पीरियल काउंसिल ने पास किया, इंडियन लीडर्स को दबाने के लिए पास किया, और इसके लिए गवर्नमेंट को पावर मिल गई, यानी ब्रिटेन की गवर्नमेंट जो थी यहाँ पे उनको पावर मिल गई कि वो किसी भी पॉलिटिकल लीडर को, इंडियन पॉलिटिकल लीडर को जेल में डाल सकती थी 2 साल के लिए बिना किसी ट्रायल के, यानी कि कोई मुकदमा नहीं होगा, कोई एफआईआर नहीं होगी, ना कोई उसके लिए वकील बन सकता, ठीक है, ना वो कहीं पे अप्लाई कर सकता अपने छुड़वाने के लिए, तो 2 साल के लिए उसको जेल में डाल सकती थी। ये एक बड़ा ख़तरनाक रूल था उस टाइम पे, किसी को भी उठाया जेल में डाल दिया कोई नहीं बोल सकता, इसको रोलेट एक्ट कहा गया। इसके खिलाफ काफ़ी वहाँ पर जो है इंडिया में पब्लिक ने जो है हंगामा किया, लीडर्स ने हंगामा किया, और बाद में ये वापस भी करना पड़ा, ठीक है ना। तो ये था, आगे है, गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था, उसने विड्रॉ क्यों किया था वो भी देख लेते हैं एक बार, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, ठीक है। गांधी जी ने है ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था, नॉन कोऑपरेशन क्या होता है कि ब्रिटेन गवर्नमेंट से हम कोई कोऑपरेशन नहीं करेंगे, ठीक है, उनसे उनके जो है स्कूल कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे, उनकी जॉब छोड़ देंगे, उनकी जो इंडस्ट्री है वो छोड़ देंगे, उनको कोई कच्चा माल नहीं देंगे, उनको टैक्स पे नहीं करेंगे, सारी बातें जो है इसमें नॉन कोऑपरेशन में आती है। कि तरीका था गांधी जी का, इसने डिसाइड किया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट हुआ 1920 में, लेकिन गांधी की एक कंडीशन थी, गांधी जी ने कहा था कि आप पूरे इंडिया में मूवमेंट चलाओ, पब्लिक को कहा था, लेकिन कहीं भी अगर हिंसा हो गई, वायलेंस हो गया, गड़बड़ हो गई, आपने मार पिटाई कर दी, तो मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लूँगा, विदड्रॉ कर लूँगा। तो वही हुआ, जब पब्लिक जो है थोड़ी सी वहाँ यूपी के अंदर उत्तेजना में आ गई, गुस्से में आ गई, और उन्होंने एक थाने में आग लगा दी, वहाँ कुछ पुलिस वाले मारे गए, तो वो जगह थी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिला में चोरी चोरा, ये रहा, ठीक है, वहाँ पर इंसिडेंट हुआ 1922 में, और पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, वहाँ कुछ जल गए पुलिस वाले, इसीलिए गांधी जी ने कहा कि या तो वायलेंस होगी और ये गड़बड़ होगी, इसलिए इसको विड्रॉ कर लेना चाहिए, तो उसने विड्रॉ कर लिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए गांधी जी डिसाइड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ड्यू टू, क्यों किया, कारण बता रखा है, वेरियस इंसिडेंट ऑफ वायलेंस, वायलेंस की बहुत सारे इंसिडेंट होने लगे थे, और गांधी की एक ही कंडीशन थी कि भाई वायलेंस नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, जो पब्लिक थी, मासिस था, उन्होंने यहाँ पे जो है क्या किया, चोरा चोरी यूपी में है वहाँ पे घटना घट गई, वह द पीपल क्लैश्ड विद पुलिस, पुलिस से झगड़ा हो गया, सेटिंग ए पुलिस स्टेशन ऑन फायर, पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, गांधी फेल्ट दैट पीपल वर नॉट येट रेडी फॉर ए मास स्ट्रगल। तो गांधी ने महसूस किया कि पब्लिक तो भाई थोड़े से गुस्सा हो रही है और आग लगा रही है, इसलिए वो एक बड़े मूवमेंट के लिए, स्ट्रगल के लिए तैयार नहीं है अभी, उसको तैयार करना पड़ेगा, इसलिए वापस ले लिया। एंड सत्याग्रह ही नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेन फॉर नॉन वायलेंस मूवमेंट, तो नॉन वायलेंस के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी तब मूवमेंट चलाएंगे, ये गांधी जी ने यहाँ पर महसूस किया था, ठीक है। चलिए तो ये है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 का, 4 ऑप्शन हमने कर लिए। सेकेंड में देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 है, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन होंगे नीचे, ये रहा देखो, व्हाट इज मेंट बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह क्या था, देखो ये जो वर्ड है सत्याग्रह, इसको 2 भागों में बांट लो, देखो सत्य मैंने, सत्य होते हैं सच, सच्चाई, ट्रूथ, ग्रह मैंने उसको अपील करना, उसकी उसकी ग्रांट करना, उसको लेना, ठीक है, उसके लिए अपील करना। तो क्या है, सच्चाई को यहाँ पर क्या है, ट्रूथ को यहाँ हम खोजने का प्रयास कर रहे हैं या उसको लेने का प्रयास कर रहे हैं, इसे वो बोलते हैं सत्याग्रह, जो सच्चाई है उस पर चल के अपने स्ट्रगल को पूरा करना, अपने डिमांड को पूरी करवाना, ठीक है। यहाँ पे देखो एक गांधी जी का मंत्र था, ये आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ये सच्ची राही है, ये सच्ची राही, ठीक है। देखो आइडिया सत्याग्रह इम्प्लाइज ए यूनिक मेथड, एक यूनिक मेथड था मास एग्रिटेशन का, ठीक है, द पावर ऑफ ट्रूथ, पावर ऑफ ट्रूथ
द नीड टू द सर्च ऑफ ट्रूथ, इसका मीनिंग जो है वो ये है, सर्च फॉर ट्रूथ, ठीक है, सच्चाई को यहाँ पे खोज करना या फिर सच्चाई की राह पे चलना। इट अपहोल्ड द बिलीफ दैट इफ द कोज इज ट्रू, इसका मेन कारण देख लो क्या है, इसका मेन मुद्दा क्या है, देखिए इसका बेस क्या है, इसमें दे रखा है कि अगर आपको ये लगता है, कोई विश्वास है कि जो आप कर रहे हो उसके पीछे एक सच्चाई है, कारण जो है सच्चा है, ठीक है, आप अपने लाइफ में भी इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अपने घर में, अपने आसपास, अपने फ्रेंड के बीच में, अगर आप सच्चे हो, आपका कारण सच्चा है, तो आप किसी भी अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हो, फाइट कर सकते हो, ये होता है, ठीक है ना। तो ये है द क्यूज इज ट्रू एंड द फाइट इज अगेंस्ट अनजस्टिस, देन देर इज नो नीड फॉर फिजिकल फोर्स और कॉन अगेंस्ट द ऑब्स्टर, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि अगर आप सच्चे हो और आपके साथ अन्याय हो रहा है, आप अगर अन्याय के सामने आवाज़ उठाओगे, लड़ोगे, फाइट करोगे अपने हक के लिए, तो आपको फिजिकल फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ पर डंडे मारने की जरूरत नहीं है, लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल क्या करना है, सत्याग्रह, यानी कि आपने एक स्ट्रगल स्टार्ट करनी है, मूवमेंट स्टार्ट करना है। आप मान लो हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए, हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाते हो अगर आप, तो जो सच्चाई हो सामने आ जाएगी, लोग आपका साथ देंगे, और जो अन्याय कर रहा है वो भी अपने पास आएगा और माफ़ी मांगेगा, ठीक है ना। तो ये एक तरीका था, ये गांधी जी का, इसने साउथ अफ्रीका में ऐसे किया था, जब उनको ट्रेन से नीचे उतार दिया, टिकट थी उनके पास, फिर भी उनको नीचे फेंक दिया गया, फर्स्ट एसी क्लास थी, तो ब्रिटेन के खिलाफ वहाँ पे उसने मूवमेंट चला दिया सत्याग्रह के नाम से। फिर इंडिया में भी यही प्रयोग किया उसने कई बार, और फिर बड़े लेवल पे यही प्रयोग किया, ठीक है। तो गांधी जी का हथियार था, मेथड था सत्याग्रह का, मीनिंग होता है नॉन वायलेंट एग्रिटेशन वेयर एन अपील इज मेड टू बी ऑपरेसर कॉन्शियंस टू सर्च फॉर जस्टिस। गांधी जी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड बी द क्यूज ऑफ नेशनल यूनिटी एंड हारमोनी, ठीक है। तो जो ये नॉन वायलेंस है वो देश की भाईचारे और एकता में भी क्या बनेगा, हेल्पफुल रहेगा, ये इसने कहा था गांधी जी ने। थर्ड क्वेश्चन क्या है, राइट ए न्यूज पेपर रिपोर्ट ऑन, देखिए यहाँ पे है कि जलियांवाला बाग मास्केर हुआ था, तो उसके बारे में लिखना, 1919 में हुआ था, 1919 में, ठीक है। जो रोलेट एक्ट हमने ऊपर पढ़ा, रोलेट एक्ट के विरोध करने के लिए पब्लिक अमृतसर के एक बाग में इकट्ठी हुई थी नॉन वायलेंस तरीके से, तो वहाँ पर ब्रिटेन के जो आर्मी कमांडर थे जनरल डायर, उन्होंने गोलियाँ चलवा दी, बहुत सारे लोग मारे गए इस बाग में, इस बाग का नाम जलियांवाला बाग था, तो यहीं से जलियांवाला बाग मास्केर इसका नाम पड़ा। तो इसके बारे में पढ़ना है, इसके बाद साइमन कमीशन आएगा उसके बारे में, तो पहले जलियांवाला बाग के बारे में पढ़ लो, सिक्स क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, आपको याद होना चाहिए पहले से ही क्या थी घटना। देखो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी होती है उस दिन, त्यौहार होता है पंजाब में। जनरल डायर जो है वो जनरल था आर्मी का, उसने क्या किया, एक पॉइंट था एग्जिट का, यानी कि एक ही रास्ता बाहर निकलने का, उसको बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, और जो जलियांवाला बाग का ग्राउंड है वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, लार्ज क्राउड हैज गैदर्ड सम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिप्रेसिव मेजर, अदर टू अटेंड द बैसाखी मेला, ठीक है। तो कुछ लोग बैसाखी मेला को अटेंड करने आए थे, कुछ लोग विरोध करने आए थे, तो यहाँ बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। तो यहाँ जो है जनरल डायर को ये खबर मिली कि लोग इकट्ठे होकर कुछ गड़बड़ करेंगे, उसने आके गोलियां चलवा दी विदाउट एनी, उसने कोई भी यहाँ पे चेतावनी वगैरह नहीं दी, आते ही गोलियां चलवा दी। डायर्स ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोड्यूस ए मोरल इफेक्ट एंड टेरिटराइज सत्याग्रही, हंड्रेड ऑफ इनोसेंट पीपल इंक्लूडिंग वुमेन चिल्ड्रन वर किल्ड बाय दिस डे, ब्रिटिश सोल्जर के द्वारा मारे गए थे ये। दिस लीड टू लार्ज स्केल ऑफ स्ट्राइक्स क्लैशेस द पुलिस एंड अटैक द गवर्नमेंट बिल्डिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये घटना घटी इसके बाद बहुत सारे लोगों ने पंजाब में आसपास के एरिया में जो है पुलिस से झगड़ा भी किया और बिल्डिंग थे जो गवर्नमेंट की उसको जला भी दिया था, ठीक है, ये था। नेक्स्ट है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब आया, 1928 में आया था। ये क्या था, देखो साइमन एक अधिकारी का नाम था जो ब्रिटेन का एमपी था, ठीक है, सर जॉन साइमन आगे नाम आएगा इसका।
इसके नाम पे कमीशन बनाया गया और कुछ बंदों को ब्रिटेन से इंडिया भेज दिया गया कि आप जाओ इंडिया में और वहाँ लीडर्स की डिमांड है, उस डिमांड को आप देखो जाके क्या रेकमेंड करोगे, देख लो जाके माहौल कैसा है। तो वो लोग यहाँ इंडिया में आए थे, लेकिन इसमें सभी लोग ब्रिटेन के नागरिक थे, इंडियन कोई भी नहीं था। इसीलिए जो है इंडियन के लीडर ने इसको बायकॉट कर दिया कि हम इसको अपने इंडिया में घुसने नहीं देंगे, ये क्या हमारी रिपोर्ट लेगा, ठीक है, इसमें कोई इंडियन तो है ही नहीं। तो ये थी इसकी मेन चीज, देख लेते हैं एक बार। इसमें देखो फैक्ट क्या है, इट अराइव इन इंडिया 1928, फेस्ड प्रोटेस्ट सोगलन गो बैक साइमन। आते ही इसका सामना जो विरोध से हुआ, विरोधियों ने कहा, लेटर्स ने कहा इंडियन ने कि साइमन को गो बैक, वापस जाओ। इट वॉज बिकॉज, क्यों किया, क्योंकि दिस बॉडी, इस कमीशन में क्या था, वॉज टू सजेस्ट कंडीशनल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इन द इंडियन गवर्नेंस। ये एक बात यहाँ बताने आया था, रिकमेंड करने आया था, सजेस्ट करने आया था कि जो भारत का संविधान है उसमें बनाया जाएगा, उसमें कैसे कैसे क्या कुछ चेंजेस होंगे वो, ठीक है। बट इट डिड नॉट हैव एनी इंडियन मेंबर। इसका विरोध क्यों हुआ, क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, ये था इसका विरोध का कारण। दूसरा क्या है, कांग्रेस मुस्लिम लीग दो पार्टी हुआ करती, उन्होंने इसका विरोध किया इकट्ठे होके। और उस टाइम पे जो है एक वॉयस राय था जो इंडिया में ब्रिटेन का सबसे बड़ा अधिकारी था, उसको वॉयस राय कहा करते, लॉर्ड इरविन नाम था उसका। लॉर्ड इरविन ने अनाउंस किया ए वेज डोमिनेंट स्टेटस फॉर इंडिया टू क्वेल द मूवमेंट। उसने कहा कि भैया आप जो है शांत रहो, आपको हम लास्ट में एक डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा दे देंगे इंडिया को, यानी इंडिया जो है अपना रूल खुद चलाएगा नीचे लेवल पे और ऊपर हम रहेंगे, ऐसा सिस्टम बनाने का ट्राई करेंगे। तो इंडिया ने कहा भाई ऐसे क्यों, हम तो पूरी की पूरी जो है इंडिपेंडेंस लेंगे, आधी अधूरी नहीं लेंगे, ठीक है। डोमिनेंट स्टेटस होते हैं आधी अधूरी आज़ादी, यानी कि नीचे इंडियन लोकल गवर्नमेंट में और ऊपर जो है सारा कुछ ब्रिटेन के लोग देखेंगे, महारानी का राज रहेगा, ठीक है। तो लीडिंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन अक्टूबर 99, तो लॉर्ड इरविन ने कहा कि भाई आप डोमिनेंट स्टेटस ले लो और ब्रिटेन में आ जाओ, वहाँ पे बैठ के बातचीत करेंगे, राउंड टेबल हमारे पास है। राउंड टेबल क्या होती है, यानी एक टेबल चारों चेयर लगी हुई है और सारे लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उसको बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन भी कहते हैं इसको हिंदी में। तो ये 1929 में हुआ था, तो इसमें कांग्रेस नहीं जाएगी, ध्यान रखना, एक बार जाएगी, तीन बार होता है ये, थ्री टाइम होता है, एक बार जाएगा गांधी सेकेंड वाली में। तो लॉर्ड इरविन यहाँ पे अपील करता है इंडियन पीपल से कि आप मान जाओ और जाके बात कर लो वहाँ ब्रिटेन के पार्लियामेंट में, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, कंपेयर द इमेज भारत माता। आपने पढ़ा होगा ना, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था जर्मेनिया के बारे में कि जर्मनी में एक पिक्चर बनाई गई थी जर्मनी की, उसकी जर्मन की माता के बारे में, यानी कि जर्मन को क्या किया गया था, उसको जो है एक मनुष्य के रूप में उसका मानवीकरण किया गया था, यानी कि जर्मन कंट्री को एक महिला माना गया, वो तलवार लेके खड़ी है और जो है अधिकारों की डिमांड कर रही, इस तरह से चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा, उसका नाम जर्मेनिया था। ऐसे ही इंडिया में एक इमेज बनाई गई थी, पेंटिंग बनाई गई थी टैगोर के द्वारा, उसका नाम भारत माता था, यानी भारत को माता के रूप में दिखाया गया था। तो दोनों में कंपेरिजन करना है कैसी कैसी इमेज थी। तो आपने पहला पढ़े रखा है, देख लो, जो भारत माता की इमेज थी वो पेंटिंग बनाई थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने, टैगोर का भाई था ये, सोझर जो वहाँ पे जो है फूड क्लोथिंग और लर्निंग के बारे में दिखाए गए हैं इंडियन मदर को, यानी मदर इंडिया बनाई गई थी, वो कुछ कपड़े पहने हुई है, कुछ वहाँ पे जो है माला पहनी हुई है, ठीक है। ऐसे ही जर्मनी थी जो फिलिप वेट ने बनाई थी जर्मनी में, चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा हुआ अपने, वो भी एक तलवार लिए हुए है और, ठीक है। तो ऐसे ही भारत माता के बारे में यहाँ पे बनाया गया है उसी को अकॉर्डिंग। तो ये है इंडियन और जर्मनी दोनों की कंट्री को पेंटिंग में मानवीकरण किया गया है इसका, ठीक है, विजुलाइजेशन दिया गया है कि ऐसी है। आगे है ये कुछ और क्वेश्चन है यहाँ पे, एक ये क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा, इसमें क्या है देखिए, डिफरेंट सोशल ग्रुप विच ज्वाइन द नॉन ग्रुप मूवमेंट 1921, 1921 में जो अलग अलग सोशल ग्रुप थे उन्होंने कोऑपरेशन मूवमेंट में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भाग लिया था, ज्वाइन किया था, तो उनके बारे में हमें बताना है क्यों क्यों उन्होंने ज्वाइन किया था स्ट्रगल को। तो आंसर ये है इसका,
एनसीईआरटी क्वेश्चन ये भी, द डिफरेंट सोशल ग्रुप दैट ज्वाइन द नोबल मूवमेंट इन 1921 वा द अर्बन मिडिल क्लास अपराइजिंग। तो वहाँ पे जो है अर्बन क्लास थी, जो मिडिल क्लास थी, जो लोग एजुकेटेड थे, नए नए पढ़े लिखे थे, बाहर से पढ़ के भी आए थे, टीचर भी थे, वकील भी थे, बहुत सारे लॉयर, टीचर, हेडमास्टर, स्टूडेंट्स, पेजेंट, ट्राइबल वर्कर, सभी लोग शामिल हुए थे। और जो पेजेंट है, ट्राइबल है, वर्कर है, ये जो है ये भी पूरे ऑल इंडिया कंट्री से जो है शामिल हुए थे इसमें, ठीक है। दे डिड सो विद द होप ऑफ सेल्फ एम्पिकेशन। पेजेंट रिबल अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड हु डिमांडेड हाई रेंट। तो जो जमींदारों के खिलाफ भी कुछ मूवमेंट हुए थे किसानों के, उन्होंने भी यहाँ पे किया था निगार वगैरह के खिलाफ। तो ये है इसमें कि सभी लोगों ने अपने अपने जो है एक उम्मीद के साथ जो है मूवमेंट में कोऑपरेशन किया था, ज्वाइन किया था। और मेन जो है मकसद वो था कि ब्रिटेन गवर्नमेंट को यहाँ से भगाना, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ पे, क्योंकि उसने ही बड़े टैक्स लगाए थे, उन्होंने ही फॉरेस्ट वगैरह काटे थे, ये था सिस्टम यहाँ पे। तो जो ट्रेडिशनल राइट थे वो भी यहाँ पे छीन लिए गए थे। प्लांटेशन वर्कर ऑन द अदर हैंड डिजायर फ्रीडम टू मूव अबाउट द रिटेन लिंक द विलेजर दे केम फ्रॉम। ऑल थ्री बिलीव दैट गांधी गांज वुड कम विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड विद द। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो अलग अलग जो पेजेंट है, वर्कर है, प्लांटेशन वर्कर है, ठीक है, या टीचर है, वकील है, सभी लोग शामिल हुए, ज्वाइंट किया मूवमेंट को। और गांधी ने विश्वास दिलाया था कि सारे आपके जो दुख हैं दूर हो जाएंगे और इंडिया में एक जो है राज आएगा, जिसको राम राज या गांधी राज कहते हैं, सभी इक्वल होंगे और फ्रीडम मिलेगी, ठीक है। तो ये था, इसी को ध्यान में रखते हुए सबने ज्वाइन किया था इसको अलग अलग तरीके से, ठीक है, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डिस्कस द साल्ट मार्च, कैसे ये इफेक्टिव था कम्युनिज्म के खिलाफ मूवमेंट में साल्ट मार्च। देखो साल्ट मार्च कहते हैं, नमक आंदोलन था ये। ब्रिटेन गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया, इंडिया में नमक पर टैक्स लगा दिया, क्योंकि नमक तो देखो हर घर की जरूरत होती है, हर चीज़ में हम यूज़ करते हैं, हर रसोई में होता है, गरीब हो चाहे अमीर हो। तो यहाँ पे क्या किया गया, जब टैक्स लगा दिया गया ब्रिटेन ने यहाँ पे, तो गांधी जी ने कहा कि ये तो बड़ा अत्याचार हुआ, जो गरीब आदमी है नमक लिया करता फ्री में, समुद्र किनारे से बना लिया करता, आपने टैक्स लगा दिया इसके ऊपर, नहीं कर दिया, तो बड़ी मुश्किल है। उसने क्या किया, फिर पब्लिक को इकट्ठा किया कि हम जो है नमक टैक्स पे नहीं करेंगे और एक मार्च, एक जो है आंदोलन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे कि अपने हाथों से नमक बनाएंगे वहाँ जाके समुद्र किनारे। तो वो अपने आश्रम से, आश्रम अहमदाबाद में है गुजरात में, वहाँ से चले थे पैदल। तो चले बहुत सारे लोग जो है, लाखों लोग इकट्ठे हुए साथ में, चलने के लिए तैयार हो गए। और वो चलते हुए गए वहाँ जाके समुद्र किनारे, दांडी एक जगह है गुजरात में ही, समुद्र होता वहाँ पे, समुद्र के किनारे वहाँ पे उसने जो नमक बना हुआ होता है, देखो समुद्र की लहर जो बाहर आती है ना, तो किनारों पे आती है फिर वापस जाती है, तो जो झाग आता है ना ऊपर से, नमकीन होता पानी समुद्र का, खारा होता है, तो वो जो झाग होती है वो सूख जाती है, वो नमक बनता है, ठीक है। तो वहाँ से उसने झाग को उठा के ऐसे बताया मुट्ठी में कि हमने जो है नमक वाला कानून तोड़ दिया है और अपना नमक बना लिया है, हमको टैक्स पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये साल्ट मार्च था गांधी जी का। तो इसमें देख लो क्या लिखना आपने, साल्ट मार्च वॉज द इफेक्टिव सिंबल ऑफ द रेजिस्टेंस अगेंस्ट कम्युनिज्म बिकॉज इट वॉज डन इन रिवोल्ट अगेंस्ट ए कम्युनिटी। साल्ट कम्युनिटी का थी, जरूरत का सामान होता है कम्युनिटी, जरूरत का सामान, नीडेबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे साल्ट है, जरूरत का सामान है। तो स्टार्ट किया ये, एक सिंबल था ये साल्ट मार्च, तो किसके खिलाफ है, कम्युनिज्म के खिलाफ एक सिंबल था कि हम ऐसा कर सकते हैं, पूरी पब्लिक हमारे साथ है ऐसे, ठीक है। यूज बाय द रिच एंड पुअर अलाइक, दोनों शामिल हुए इसमें। टैक्स ऑन साल्ट, जो गवर्नमेंट ने मोनोपोली इसके ऊपर करी थी प्रोडक्शन के ऊपर, कि हम सारा नमक हम बनाएंगे फिर टैक्स लगाएंगे उस पर। तो साल्ट मार्च जो है बड़ा इफेक्टिव रहा, गांधी जी ने क्या किया इसमें, बहुत सारे लोग इसमें शामिल कर लिए, ठीक है। और नॉन वायलेंस तरीके से रहा, स्वराज का मुद्दा भी उठा इसके ऊपर। तो इसमें जो है पीसफुल तरीके से जो है गांधी ने इसको क्या किया, गवर्नमेंट को अपना ऑर्डर वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। तो गवर्नमेंट ने बाद में अपना ड्रग टैक्स वो है माफ़ कर दिया, वापस ले लिया अपना जो ऑर्डर था, ठीक है ना। और बिल्कुल पीसफुल तरीके से लाखों लोगों ने नमक बनाया वहाँ पे। अरेस्ट किया गया पहले गांधी जी को और पब्लिक को, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। गांधी जी सेट फॉर एग्जाम्पल टू द होल नेशन हाउ द प्रोसेसर
कुड बी कन्फर्ड इन ए नॉन वायलेंट मैनर, कि नॉन वायलेंस तरीके से किस तरह से किसी भी जो अत्याचारी है उसको झुकाया जा सकता है, ये दिखाया गांधी जी ने करके। दिस ऑल्सो लीड टू द सिविल डिसऑबेडिएंस मूवमेंट 1930। इसके साथ ही जो है एक नया मूवमेंट शुरू होगा, सिविल डिसऑबेडिएंस। सिविल यानी सामान्य, डिसऑबेडिएंस कहते हैं डिस मैंने मना करना, ओबेडियंस मैंने आज्ञा मानने से, यानी गवर्नमेंट की आज्ञा मानने से मना कर देंगे, टैक्स नहीं देंगे वगैरह वगैरह। तो एक नया मूवमेंट 30 में स्टार्ट हुआ था और 29 में ये जो है आपका साल्ट मूवमेंट शुरू हुआ था, ठीक है। तो इसके साथ ही जो है गांधी जी का नेक्स्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गया बड़ा। देखो आम पब्लिक के मन में गांधी जी के बारे में बड़े से दुर्विचार हैं, भाई बहुत बड़ा गंदा था, उसने भगत सिंह को नहीं बचाया, उसने बहुत सारी पब्लिक को मरवा दिया, खुद जेल में कभी नहीं गया, खुद कभी मार खाई, तो ऐसा बच्चे सोचते हैं। लेकिन एक बात सोचो आप, गांधी जी ने जो बहुत बड़े वकील थे, बहुत ही अमीर बन सकते थे वो लोग, उसने सब कुछ छोड़ दिया इस पब्लिक के लिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी जॉब छोड़ी, अपना घर छोड़ दिया, अपने बच्चे अपने परिवार छोड़ दिया, एक केवल एक सूती कपड़े की धोती में लपेट के रहा करते। आम आदमी खाना खाया करता वैसे खाना खाया करता, वो एक कटोरी थी उसके पास, एक चम्मच थी उसी में खाना खाया करता, ठीक है, जहाँ जाता वही लेके जाता, ठीक है, वैसे ही रहा, सिंपल तरीके से रहा, और कोई वॉलेंस नहीं किया, ना कोई बड़े बड़े भाषण दिए, अपने तरीके से अपने आप को मजबूत करके खुद बैठ जाया करता चौक पे कि भाई इन्हें मार लो मुझे, तो पब्लिक अपने आप उसके पास बैठ जाया करती। तो आप इकट्ठा करके देखो पब्लिक को अपने आसपास की, आपके पास है ना मुश्किल से 100 बंदे भी नहीं आएंगे, लेकिन गांधी जी के पास जो है ऑल इंडिया से लाखों लोग करोड़ों लोग इकट्ठे हो जाया करते उसकी एक आवाज़ पे। तो ये पावर है नहीं है, बताओ एक बंदे ने काम तो किया है, हाँ उसका जो है विरोध भगत सिंह वाले मुद्दे पे जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो उस टाइम पे लॉर्ड इरविन से जो है डिमांड दे रहा था, इसमें आएगा आगे बताएंगे इसके बारे में, और वहाँ पे जो है गांधी जी भगत सिंह के बारे में कह कर अपनी डिमांड पूरी करवा सकते थे, लेकिन वहाँ पे इसने नहीं करवाई थी, रीजन क्या था ये देखो हमें पता नहीं है, हिस्ट्री की बात है, लेकिन इसी बात पे विरोध ज़्यादा होता है, गांधी जी ने भगत सिंह को नहीं बचाया, वो बचा सकते थे अगर चाहते तो, ठीक है। अब ये उस टाइम पे बात हुई, हमें पता नहीं क्या थी, लेकिन इसका विरोध ऐसे होता है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 3। इमेजिन यू आर ए वुमेन पार्टिसिपेट इन द सिविल डिविजन मूवमेंट, मूवमेंट में शामिल जो वुमेन थे उनके बारे में बताया गया है कि अगर आप भी शामिल होते तो कैसा यहाँ पे होता, क्या एक्सपीरियंस रहता। तो ये अपने अपने वो है, क्योंकि वुमेन्स ने बहुत ज़्यादा वहाँ पे मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, और जो अलग अलग फॉरेन क्लोथ्स हैं उनको जलाया था, और खुद घर पे चरखा काट के सूत बनाया, कपड़े बनाए, नमक बनाया, लिकर शॉप बंद करवाई, ठीक है। तो पीसफुली जो है सत्याग्रह यहाँ पे हुए थे बहुत सारे, लेकिन बाद में जो है पुलिस ने अटैक कर दिया इनके ऊपर, तो बच्चे वुमेन्स वगैरह काफ़ी चोट इनको लगी। तो यहाँ पे एक इसका एक्सपीरियंस दे रखा है कि कैसे हुआ होगा वुमेन के बारे में, ठीक है। तो ये है इसका, देख लो। इन क्वेश्चन को नोट कर सकते हो आप। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाई डिड पॉलिटिकल लीडर डिफर शार्पली ओवर द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट इलेक्शन, ये बड़ा खतरनाक है कि ये एक पॉलिसी थी ब्रिटेन की डिवाइड एंड रूल, उसने जाति के नाम पे धर्म के नाम पे हिंदुस्तानी को बांट दिया और खुद रूल किया। आज भी लीडर ऐसा ही करते हैं, इलेक्शन के नाम पे, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट मांग के, बहका के पब्लिक को गुमराह करके, अफवाह उड़ा के, तो इलेक्शन में जीत जाते हैं। तो बड़ी गंदी पॉलिसी है ये, अंग्रेज यहाँ पे सिखा गए इनको, इंडियंस को भी, तो वैसे चल रहा है, जहाँ जहाँ ब्रिटेन थे का रूल था वहाँ वहाँ सब जगह झगड़े होते हैं, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, हर जगह जाति धर्म के नाम पे उलझे हुए लोग, ठीक है। तो ये बड़ी गंदी पॉलिसी थी ब्रिटेन की, उन्होंने ऐसा सिलेबस बना दिया अपनी एनसीईआरटी का, जो हिस्ट्री है पॉलिटी इन सब का सिलेबस ऐसा बनवा दिया, एक नई जो है वहाँ से आइडिया दे दिए राइटर्स को, राइटर उनके पीछे पढ़े पढ़ के लिखते हैं, जाति धर्म के बारे में लिखते रहते हैं आज भी, सारा पेपर पढ़ लो, मीडिया को देख लो, चाहे आप अपनी बुक देख लो, इसमें भी जाति और धर्म के नाम पर ज़्यादा बातें मिलेंगे, उसी तरफ उकसाएंगे आपको, इसलिए ध्यान से पढ़ो, केवल मार्क्स के नाम से पढ़ लो इसको, बाकी इस पर ज़्यादा वो लेने की जरूरत नहीं, इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इन चक्करों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपनी लाइफ इंजॉय से करो, करियर बनाओ अपनी। तो ये क्या है यहाँ पे,
ये है सेपरेट इलेक्टोरेट, क्या होता है भाई, जो अलग अलग धर्म है उनकी अलग अलग सीटें होना चाहिए रिजर्व, जो अलग अलग कास्ट है उनकी अलग अलग सीटें होना चाहिए एमएलए के लिए। तो ये स्टार्टिंग में ब्रिटेन ने किया था मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के लिए, ठीक है। और वो बह गए मुसलमान इसमें, और जो है वो उन्होंने सीट की डिमांड भी कर ली, ठीक है। इसलिए जो है जिन्ना ने आगे जाके इसमें राजनीति की थी, ठीक है, कि अब ठीक है। तो ये जो है अपना मिशन में कामयाब रहे थे ब्रिटेन के लोग, और इंडियन जो है मूर्ख बना दिए गए, क्योंकि इंडियन मूर्ख थे वो, बन गए आराम से उल्लू बन गए। देखिए, पॉलिटिकल लीडर्स डिफर शार्पली ओवर द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल बिकॉज द डिफरेंट इन ओपिनियन, ठीक है। सबके अपने अपने डिफरेंट ओपिनियन होती है। वाइल दोज सपोर्टिंग द कोज ऑफ माइनॉरिटी एंड दलित बिलीव्ड दैट, ये जो एनसीआरटी है ना, इसमें भी बहुत सारा जो है फैक्टर कास्ट का और माइनॉरिटी का धर्म के नाम पे जो है राइटर्स ने लिख रखा है, बड़ा गंदा है ये भी। तो ऐसे राइटर्स जो है इन्होंने जो बुक लिख रखी है, ये चैप्टर हटाने चाहिए थे एनसीआरटी के द्वारा, कुछ को हटा भी दिया गया है। अभी बात हो रही है, गवर्नमेंट ने इस पर ऑब्जेक्शन किया है और हटाएगी इसको शायद। ओनली पोलिटिकल एम्प्लॉयमेंट वुड रिजोल्व देयर सोशल बैकवर्डनेस, ऑल लाइक गांधी थॉट दैट सेपरेट इलेक्टोरेट वुड फर्दर स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी। तो गांधी जी ने कहा था भाई देखो, अगर अलग अलग इलेक्शन लड़ोगे तो ये एक जो है यूनिटी खराब होगी देश की, सोसाइटी खराब होगी, माहौल खराब होगा, ठीक है। कुछ लोग कह रहे थे कि हाँ भाई इसको अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि अलग होने से जो है जल्दी विकास होगा, जो गरीब लोग हैं पिछड़े लोग हैं उनके लिए लीडर बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा जो है ये एक गलत थिंकिंग थी स्टार्टिंग में। तो लीडर्स को गुमराह कर दिया गया ब्रिटेन के द्वारा। गांधी जी यहाँ पे सच्चे साबित थे। देखो गांधी ने सोचा था कि अगर आप अलग अलग सेपरेट इलेक्टोरेट करोगे तो देश में शांति नहीं रहेगी, सोसाइटी खराब हो जाएगी। वही हुआ, समाज का जो भाईचारा वो खराब हो गया इस इलेक्शन के कारण, क्योंकि सेपरेट मांग लिया, जो एससी कास्ट के थे उन्होंने अलग मांग लिया, जो मुसलमान थे उन्होंने अलग वोटिंग के लिए अपने सीटें मांग ली। तो ये जो चीज़ें थी ये देश का माहौल खराब करने के लिए ब्रिटेन ने यहाँ पर घुसा दी, और उसमें हम आ गए सारे बातों में। तो ये है चीज़ें, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन अलग अलग क्लास और कम्युनिटी के लिए। तो ये आज का हमारा चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू, ध्यान से करना इसको। ओके बाय।